छत्तीसगढ़ शासन के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री अमरजी भगत ने बुधवार को सीतापुर प्रवास के दौरान सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सीतापुर में 20 बिस्तरीय ऑक्सीजन युक्त कोविड आइसोलेशन वार्ड का फीता काटकर शुभारंभ किया। उन्होंने इस दौरान पूरे हॉस्पिटल भवन का निरीक्षण किया। कोरोना काल में लगन और मेहनत से काम कर रहे डॉक्टर और स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की प्रशंसा की। खाद्य मंत्री ने कहा कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 20 बिस्तरीय कोविड केयर सेंटर बन जाने से अब सीतापुर विकासखंड के कोविड के मरीजों को ऑक्सीजन युक्त बेड की चिंता नहीं होगी और अपने ही विकासखंड में सुविधा युक्त कोविड वार्ड में इलाज करा सकेंगे। उन्होंने अस्पताल के चिकित्सकों और स्टाफ को प्रोत्साहित करते हुए निष्ठा से दायित्व निर्वहन करने को कहा। श्री भगत ने कहा कि कोरोना संकट काल में प्रदेश की जनता को राहत देने के लिए सरकार के द्वारा सभी राशन कार्ड धारियों को 2 माह का चावल निःशुल्क दिया जा रहा है। हमने क्षेत्र के निवासियों के लिए सभी प्रकार के आवश्यक मेडिकल उपकरण तथा क्षेत्र में सभी प्रकार की स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराए हैं। उन्होंने सभी लोगों को आवश्यक रूप से स्वास्थ्य केंद्र जाकर टीकाकरण कराने को कहा। इसके पूर्व मंत्री श्री भगत ने 148 हितग्राहियों को शिक्षा, स्वरोजगार तथा बेहतर इलाज के लिए 12,90,000 की स्वेच्छा अनुदान राशि का चेक वितरण किया। क्या कार्यक्रम रहे आपके? कोविड के संक्रमण को रोकने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। 2 महीने का खाद्यान्न फ्री में वितरण कराया गया है। वहीं पर वैक्सीनेशन के लिए सभी लोगों को टीकाकरण कराने के लिए विधायक निधि का 2 करोड़ रुपया सभी मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा किया गया। साथ में 1-1 महीने का तनख्वाह जमा किया गया। राहत और बचाव के लिए, उपचार के लिए, उपकरण के लिए सभी जो कदम है वो उठाए गए हैं। सीतापुर क्षेत्र में यहाँ पर ऑक्सीजन से लेकर के वेंटिलेटर से लेकर उपचार में जितने भी इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता है उसको उपलब्ध कराया गया है। और आज मुझे इस बात का बहुत खुशी है कि कोविड सेंटर यहाँ पर 20 बेड का ऑक्सीजन युक्त प्रारंभ किया गया है। इससे इस क्षेत्र के लोगों को बहुत सहूलियत मिलेगा और कोविड पीरियड में भी काफ़ी यहाँ के स्थानीय जो डॉक्टर हैं और हमारे जो टीम हैं वो लोगों ने कोऑर्डिनेट करके ऑक्सीजन से लेकर के एम्बुलेंस और उपचार के लिए जो भी मदद की ज़रूरत पड़ी लोगों को खूब मदद किया है। खूब लोगों को उपचार कराया है, लोगों को ठीक किया है। तो मैं पूरे टीम को, BMO साहब और उनकी पूरी टीम को और हमारे सभी कांग्रेस के साथी जिसमें हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं भाई तिलक, भाई बद्रू, भाई गणेश सोनी, भाई संदीप, सुनील मिश्रा, यहाँ के नगर पंचायत अध्यक्ष प्रेमदान कुजूर जी, उपाध्यक्ष परमेश्वर गुप्ता जी, सभी पार्षदगण और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के हमारे सभी साथी, सभी लोगों ने दिन रात लोगों का मदद के लिए अपना हाथ बढ़ाया और जहाँ पर जिसको रेफ़र कराने की आवश्यकता पड़ी तो रेफ़र कराया, एडमिट कराने की ज़रूरत पड़ी तो एडमिट कराया और कहीं पर डेड बॉडी उनके गांव तक पहुँचाने की बात हुई तो भी लोगों ने काम किया। तो मैं सभी लोगों को बहुत साधुवाद देता हूँ। वैक्सीनेशन अभी बंद है, वैक्सीन केंद्र सहयोग नहीं कर रही आप लोगों का? भारत सरकार अगर पूरी तरह से वैक्सीनेशन की जिम्मेदारी ले लेती तो ये समस्या नहीं रहता, लेकिन अपनी जिम्मेदारी से पलड़ा झाड़ते हुए राज्य सरकारों को अपने अपने राज्य में वैक्सीनेशन कराने की बात कही है। और राज्य सरकारें, छत्तीसगढ़ में माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने वैक्सीन कंपनी को ऑर्डर दिया हुआ है, उनको एडवांस भेज दिया हुआ है। अब जैसे आएगा सभी लोगों का वैक्सीन होगा। माननीय मंत्री जी, ये सीतापुर में एक भी मतलब हमारे पास वो नहीं है अग्निशामक वाहन, जिसको लेकर के कई बार जनता परेशान भी हो रही है, कई बार आग लग चुकी है क्षेत्र में, इसके बारे में आपका क्या कहना है? इसके लिए हम प्रयास करेंगे और आने वाले समय में जरूर उपलब्ध करेंगे। क्या लगता है मंत्री जी, मोदी जी के 6 साल पूरे हो गए हैं, आपको नहीं लगता कि
छः साल में कोई खास बड़ा काम नहीं किया। छः साल में क्या, सात साल हो गया और लोगों सात साल का खुशहाली मना रहे थे, लेकिन उपलब्धि लोगों नहीं बता पाए। आज चूंकि सरकारी कार्यक्रम है इसलिए मैं ज़्यादा राजनीतिक बात नहीं करूँगा, लेकिन GST लगाया कोई फ़ायदा नहीं हुआ, नोटबंदी किया कोई फ़ायदा नहीं हुआ, हम अपने देश की बॉर्डर की सुरक्षा नहीं कर पाए, चाइना अंदर घुस गया, बेरोजगारी आसमान छू रहा है, बेरोजगारों को 2 करोड़ लोगों को हर साल नौकरी देने की बात अधर में रह गई। इस प्रकार से एक भी वादा पूरा नहीं किया, लोग बहुत निराश हैं। एक आखिरी सवाल, आपके विधानसभा क्षेत्र मेन पार्ट वन परिक्षेत्र में आए दिन हाथियों का आतंक देखने को मिलता है, इसके लिए कुछ विशेष स्कीम आप लोग कुछ लागू कर रहे हैं क्या? राष्ट्रपति तक पत्र भी जारी किया था इसको लेकर के, हाथियों की समस्या आए दिन बनी हुई है, किस प्रकार से क्या तैयारी है? हाथी इतना बड़ा जानवर है, उसको पकड़ भी कोई नहीं सकता और कोशिश रहता है कि उसके रिहेब के अनुसार जी एरिया डेवलप करें और उनको खाना दाना पानी वही मिले, लेकिन रहवासी इस क्षेत्र में आ रहे हैं क्योंकि जिस ढंग से वन का क्षेत्र सिमट रहा है, जनसंख्या बढ़ रही है, लोग हाथी जिधर रहवास क्षेत्र है उधर जनसंख्या बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं हाथी जो है रहवासी क्षेत्र में आ रहे हो भारी नुकसान कर रहे हैं, तो हम इसके लिए बहुत चिंतित हैं और जो भी आवश्यक कदम होगा सब उठाएंगे। सीतापुर में पत्रकार भवन नहीं है मंत्री जी, आप यहाँ से मंत्री हैं, एक ये हमारी निवेदन है, एक आध पत्रकार भवन यहाँ पे होना चाहिए। आप लोग तो ना ज्ञापन तो जगह तो बताओ कहाँ पर है वो करना चाहते हो, क्योंकि यहाँ तो मैं कई और दूसरे समाज के लिए कुछ दिलाया हूँ, उन लोगों को आज तक जमीनें नहीं मिल पाया है, पैसा स्वीकृत है जमीनें नहीं मिल पाया है।